पुलिस विभाग द्वारा माकड़ून थाना प्रभारी एसआई अशोक शर्मा का तबादला उन्हें कर दिया गया है तथा माकड़ून थाने की जिम्मेदारी नगर निरीक्षक के तिवारी को सौंपी गई है, जिनके द्वारा माकड़ून थाने का पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि थाना क्षेत्र में अपराधों व अपराधियों पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही अवैध व्यापार, जहरीली शराब उनके कार्यकाल में नहीं चलने दी जाएगी। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास रहेगा। उनका कहना है कि पुलिस कप्तान द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करना तथा पुलिस स्टाफ व आम जनता के आपसी सामंजस्य से शांति स्थापित करने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर माकड़ून थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। माकड़ून तहसील संवाददाता ललित परमार की रिपोर्ट। ग्रहण किया, इसके लिए बधाई। माकड़ून के लिए, क्षेत्र के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, इसके लिए आपको अधिकारी लोगों ने भेजा है, बताएं। मेरी फर्स्ट जो है प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं पहली बार, तो मेरे लिए ये क्षेत्र नया है, मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ। मैं ज़्यादा यहाँ के जो सामने जो यहाँ की जो भाषा शैली है उससे भी चिरपरिचित कम हूँ, और मैं कोशिश पूरी रहेगी कि यहाँ पर इस क्षेत्र की जनता एक शांति से अपना रहन सहन कर सके, यहाँ किसी प्रकार का अपराध ना हो, हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं, जो हमारी बहू बेटियाँ हैं, वो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, जो हमारे घरों के जो हमारे बेटा बेटी जो विद्यालय जाते हैं वो सुरक्षित तरीके से जाएं, उन्हें किसी प्रकार का डर या भय व्याप्त ना कोई कर सके, और क्षेत्र में हमेशा शांति बनी रहे, अपराध मुक्त ये क्षेत्र हो जाए, मेरी कोशिश ये रहेगी, और मैं एक ईमानदारी से विश्वसनीयता के साथ इस काम को करूँगा।